शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी ऐसे कम वक्तों को मरने से बचा लो तो हंसी भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद उस मुल्क से ही जाइए एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया पांच साल वाला गठबंधन दस महीने में तोड़ दिया सुलझा विवाद श्री राम जन्म भूमि वाला बन रहा मंदिर है जय श्री आराम की नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम देवगण बोले जय जय अयोध्या तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात क्या बात प्रेम का व्याकरण पढ़ा च्या च्या। फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी भारत के नौजवानों भारती पुकारती है भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए है पे लगी है फिर भारती की लाज आज सिंह नाद कर सोए राष्ट्र को जगाई दोस्तों नमस्कार मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं सतमोला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अब बोली मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूं ये देख अवदू ये गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्किल है और जब वो सात सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज पचेगी आसानी से सतमोला सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ फुक्रे थ्री इन थिएटर्स नियर यू सीएम साहब हमारे तीस विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए हबाब सीएम नहीं रहे तो अब नया सीएम कौन बन रहा है सतमुला खाओ कुछ भी बचाओ बढ़ेंगी चारों ओर से ही राम भक्त टोलियां चलाओ हम पे गोलियां चलाओ, चलाओ पे, पे। हम पे गोलियां चलाओ हम पे गोलियां चलाओ हम पे गोलियां कभी नहीं डरेंगे हम कभी नहीं डरेंगे हम कभी नहीं कभी मरेंगे हम कभी नहीं मरेंगे हम कलाइयों yeah! पे के मस्तकों पे रोलिया चलाओ हम चलाओ हम पे गोलियां चलाओ हम पे गोलियाँ बड़े चारों ओर से ही राम भक्त टोलिया चलाओ हम पे गोलियाँ चलाओ हम पे गोलियां जय श्री राम श्री राम जय श्री राम जय श्री राम आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम एक ऐसा कार्यक्रम लेकर आए हैं वो होता है हम भी हैं राम जी की गलहरियाँ राम जी की गलहरी अर्थात जब एक गलहरी समुद्र के लहरों के बीच में जाती थी अपने को भिगोती थी और तट पर आकर के रेत लपेट करके जो राम सेतु बन रहा था वो वहाँ पर अपनी रेत झाड़ते थे तो उस समय कपीराज ने कहा कि हे hey, गिलहरी ये तुम क्या कर रहे हो तो उन्होंने कहा कि मैं भी अपना योगदान दे रही हूँ योगदान दिया तो उपहास गया भी तेरे इस रेत झाड़ने से कुछ करने से राम सेतु बन जाएगा उसने कहा जो जवाब दिया बड़ा सुंदर था कि बनेगा या नहीं लेकिन इतिहास में मेरा योगदान भी एक स्पष्ट अंकित हो जाएगा कि मैंने भी कुछ राम सेतु के लिए रामकाज के लिए कुछ किया ये जब बात राम जी तक पहुंची तो राम जी ने गिलहरी को अपने हथेली पर लिया और सहलाया ये एक वाल्मीकि रामायण की बहुत एक सुंदर एक दृष्टांत है और आज हमारे टीवी शो पर राम भी हैं राम जी की गिलहरियाँ या कहे ये भी हैं राम जी की गिलहरियाँ आज हमारे शो में ऐसी गिलहरियों को मैंने आ, एकत्र करने का काम किया है और एक बार पुनः एक जय घोष के साथ ऊंचे जय घोष के साथ जय श्री राम जय श्री राम तो आज हमारे बीच में हैं देश के जाने माने हिंदू युवा नेता जन जन में जिनको जाना पहचाना जाता है आप है हिंदू इकोसिस्टम के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कहूं तो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा था। था। हमारे बीच में उपस्थित हैं तत्कालीन 1990 में जब हमारे बजरंग दल के संभाग संयोजक थे यानी तीन विभागों के संयोजक हुआ करते थे श्री उमाकांत पराशर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे उन्नीस में हमारे साथ कार सेवा में उपस्थित हमारे युवा साथी और आज भी युवा हैं ईडीएमसी के आप सदन के नेता रहे हैं का लक्ष्मी नगर से आप काउंसलर रहे हैं आप होते हैं श्री संतोष पाल हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे साथी आप भी दोनों कार सेवा में रहे हैं आप भी पूर्व में आप निगम पार्षद रहे हैं सादरा साउथ जोन के आप चेयरमैन रहे हैं और आप उन्नीस की भी कार सेवा में मेरे साथ थे और आप उन्नीस की भी कार सेवा में हमारे साथ थे ऐसे उत्साही गिलहरी और कार सेवक श्री रवि शर्मा तो साथियों अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपने युवा साथी संतोष पाल जी से हम चर्चा प्रारंभ करते हैं संतोष पाल जी आप जब उन्नीस की कार सेवा में थे तो हम दोनों घायल अवस्था में मिले थे हम पर पहले रबड़ की गोलियां चलाई गई थी लाठीचार्ज हुआ था हमारी बात लगभग दैनिक जागरण वालों ने बड़े विस्तार से छापी है आज आपकी छापी है आप आपके बारे में प्रकाशित हुआ मैं जानना चाहता हूँ कि सरयू पे मिलने से पूर्व आप सरयू तक उन्नीस के कार सेवा में कैसे पहुँचे जब विस्तार पूर्वक आज हम संस्मरण सुन रहे हैं ये संस्मरण एक डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है उस दृष्टिकोण से हम आपकी बात सुनना चाहते हैं संतोष पाल जी जय श्री राम जय श्री राम, जैशुरी राम। हम दिल्ली से विश्व हिंदू परिषद के निर्देश पर 40 या 45 की हमारी लक्ष्मी नगर से टोली थी और हम गोमती एक्सप्रेस के द्वारा लखनऊ पहुँचे थे और लखनऊ पहुँचने के बाद या रास्ते में कहूँ तलाशी होती थी हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे खाली इशारों में बात करते थे और वहाँ स्टेशन पर उतरने के बाद जो भी हमारी संगठन की योजना थी उस योजना योजनाबद्ध तरीके से हम एक वो चलता था गणेश टेम्पू <सथ> उससे हम नवाबगंज जो वहाँ से तो थोड़ा दूर था वहाँ पहुँचे थे और उसको हमको नवाबगंज में उतार दिया गया दो तीन किलोमीटर खेतों में हमको चलाया फिर वहाँ से हमको आगे एक मिनी बस मिली उस हम सभी कार सेवकों को उस बस में बैठाकर एक मनकापुर जगह है मनकापुर स्टेशन मंका मनकापुर तो वहाँ मंकापुर में हमारे ठहरने की व्यवस्था थी एक स्कूल के अंदर तो वहाँ से हम लोग अपना दिनचर्या वाला कार्य पूरा करके जो रेल की पटरी छोटी लाइन उसको बोलते हैं उस रेल की पटरी पे चलते रहे चलते रहे सुबह से लेकर शाम तक रास्ते में अकबरपुर भी आया दयालपुर भी आया तो वहाँ भी गांव में हमारे एक स्कूल में रहने की व्यवस्था थी हु। लेकिन उस टाइम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़े सक्रिय थे वो पुलिस को मुखभरी करते थे तो हम लोग जब शाम को अपना खेतों में गए फ्रेश व्रेश होने क्योंकि और कोई साधन वहाँ था नहीं हु। तो पीछे से वहाँ पुलिस का छापा पड़ गया तो तीन चार साथी हमारे स्कूल में थे बुजुर्ग थे क्योंकि हम लोग खेतों में निकल गए थे आसपास तो पता लगा स्कूल में छापा पड़ गया तो वो जो है उनको पकड़ के ले गए बाद में पता लगा उनको नैनी जेल भेजा इलाहाबाद लेकिन उसमें यह रहा कि हमारा जो सामान था वो सामान भी हमारा सारा ले गए अब चूंकि वहाँ हम लोग कार सेवक थे और हमको वहाँ पर ऐसा हमें दिशा निर्देश था कि योजना पर तरीके से हमको जाना था तो वो नौ या दस दिन हमने तरह तरह से मतलब खादर में गांव में पराली में जो भी हमें वहाँ से सूचना जानकारी मिलती थी उसके दिशा दिशा हम लोग चलते रहते थे आप जब सरयू पे आप हमें मिले थे तो सरयू पे उस समय क्या हुआ था उनतीस तारीख को हम सुबह जो खादर है सरयू से पहले तो मैंने देखा कि हजारों क्या लाखों की ताद में खादर में दोनों तरफ कार्यकर्ता क्योंकि मुझे लगता टोलियां बना के जत्थे बना के जगह जगह उनको ठहराया गया था और आखिरी दिन सबको वहां पे इकट्ठा होने के लिए कहा गया था तो वहां से जब हम सुबह हमें चलने के लिए कहा तो बिल्कुल भोर सुबह के चार साढ़े चार बजे होंगे तो हम लोगों को कहा भाई आपने अब जो है यहाँ पहुंचना है सड़क पर जो मेन उनका पुस्ता रोड था सरयू के पास क्योंकि तो जो हमारे को गाइडेंस कर रहे थे जो हमको गाइड कर रहे थे वहां पे अब अंधेरे में हमको भी इतना नहीं पता लेकिन हम नदी में से नदी में से उन्हीं कपड़ों के अंदर हम लोग एक जुनून था उस टाइम की भाई अब तो जाना है चाहे कुछ हो जाए तो हम लोग पुस्ते पे हाईवे पे चढ़ गए थे हुँ हुँ। तो हमको पुलिस ने आराम से जाने दिया वो चाल थी तो हमने कहा भाई ये तो दस दिन से हम लोग इतना तो पुलिस को कुछ कह ही नहीं रहे लेकिन हमें नहीं पता था कि ऐसा हमारे साथ होगा तो हमको वहां पर ले जाकर पुस्ते पे ले जाकर पुल पर ले जाकर जमुना के पुल पे काफी कार्यकर्ता हजारों कार्यकर्ता मैं मानता हूँ सब दिशाओं से कार्यकर्ता वहां आ चुके थे तो उस साइड से भी पुलिस ने लाठी चार्ज किया और हाँ। इस साइड से भी लाठी चार्ज किया कि की गोलियां चलाई हाँ हाँ। बसों को वहां पुलिस ने लगा रखा था तो कुछ कार्यकर्ता लाठियां पड़ी उनके कई खून निकले रबड़ की गोलियां भी थी और सही माने तो सचमुच की गोलियां सच्मुछ भी सच्मुछ थी सचमुच की क्योंकि खून निकल रहा था किसी के कंधे से किसी के कहीं से किसी के कहीं से कार्यकर्ता एक दूसरे को सहयोग कर रहे थे और उस समय आप भी वहां स्वयं उपस्थित थे रवि भाई साहब भी थे और बहुत क्या हजारों कार्यकर्ता नदी में कूद गए थे पुलिस ने इतनी दहशत मचा दी थी कि किसी को भी नहीं बख्शा जो सामने आया उनकी एक प्लानिंग थी कि भाई इनको बीच में बीच में ले जाके चाल इनको इधर से 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 भी से भी मारेंगे मारेंगे और उधर दोनों तरफ घेर लिया तो कार्यकर्ता क्या करता जान बचा लगा कि उसको शायद पानी में कूदू तो बच जाऊंगा तो ऐसी वहां इन्होंने जो उस टाइम मुलायम सिंह की सरकार थी परिंदा पर नहीं मारेगा हमारे अंदर भी जोश था कि परिंदा क्या पर मारेगा हम भी आएंगे वहाँ पे खुद संतोष जी उन्नीस वाली कार से हो हमें आप आ, जो जत्था बलिदान बलिदानी जत्था गया था बेल शर्मा प्रेम जी तत्कालीन हमारे लोकप्रिय सांसद थे तो उस समय आप की क्या भूमिका रही हम एक तीस नवंबर को दिल्ली से गए थे नेतृत्व मेंदारनाथ मनीषी जी बैठे हाँ हाँ। आपकी फोटो है अखबार में तो मुझे नहीं पता स्टेशन पे छोड़ना होगा फिर आप तो हम लोग वहां पर गए थे तो सरकार तो हमारी थी हमें कोई जूझना नहीं पड़ा लड़ना नहीं पड़ा तो व्यवस्था वहां बना रखी थी कार्यकर्ताओं के लिए कार सेवकपुरम में ठहरने की टेंटों में दस दिन रहे थे तो हम लोग वहाँ पर नहीं छह सात दिन रहे तारीख को पहुंचे हा, हा, को तो हुआ ये, हा, 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 तो वहाँ यही था आना शुरू कर दिया था हु, हु, तो वो मान्य रोज रितंबरा जी का अपने मान्य आचार्य धर्मेंद्र जी का और स्वामी परमानंद जी का बताओ जब वो व्याख्यान होते थे रितम्बरा जी के धर्मेंद्र जी के अशोक सिंगल जी के क्योंकि मैं भी वहाँ था आपके साथ लगभग हम छः सात दिन उनके उद्बोधन सुनते थे और जोश हम मतलब एक तरह से जस्ट लाइक हम खुद विस्फोटक स्थिति में आ गए थे कि अब जितना मतलब जितने हमारे अंदर बूस्टिंग हो चुकी थी जब एक दिन पहले बोल दिया गया कि नहीं प्रतीकात्मक कार्य उस टाइम आपकी क्या भावनाएं हुई नहीं नहीं हम लोग वहीं सब शाम को थे आप भी वहाँ पर थे शाम को पाँच साढ़े चार पाँच बजे होंगे आचार्य धर्मेंद्र जी बोल रहे थे उनसे पहले और किसी वक्ता ने बोला कि भाई हम सुबह उठेंगे और सरू नदी पे जाएंगे और रेत लेके आएंगे और यहाँ पर रेत डाल देंगे तो कार्यकर्ताओं में बड़ा गुस्सा था सच्चाई है ये, ये तो यार हमें को बना रहे हैं है जी नब्बे में भी ऐसी हो गया और अभी ऐसी कर रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में वाकई गुस्सा था लोग रात को वहां सो भी नहीं पाए लेकिन आचार्य धर्मेंद्र जी तो आचार्य धर्मेंद्र जी थे उन्हें कार्यकर्ताओं में इतना जोश भर दिया कि सब कार्यकर्ताओं का रोंगटे खड़े कर दिए उनकी भाषण सुन के और रहने दो भाई मत जाओ विजय राजे सिंधिया जी भी थी मत जाओ मुरली जोशी जी भी थे और चिदम्बरा जी भी थी उमा भारती जी कार्यकर्ताओं के बीच में थी पी शर्मा जी कार्यकर्ताओं के बीच में थे कहा विनय कट्यार जी की भी मां हाँ। भूमिका थी पूरी हाँ, हाँ, हाँ। तो मंच से बार बार कह रहे थे जो ये करेगा वो उल्लंघन माना जाएगा हाँ। अनुशासन का हाँ, हाँ। लेकिन वो दो दिन पहले की बात ध्यान आ रही थी कि अभी जब तक ये कलंक नहीं मिटेगा हाँ। हम लोग यहाँ से नहीं, जाएं। नहीं, जाएं। नहीं जाएंगे हाँ। और ये बार बार हमको कार से वगैरह बुलाते हैं कभी में एटीएन के लिए बुला लिया कभी नब्बे में बुला लिया और बस आप ढांचे तक ढांचे के ऊपर चढ़ गए थे तो आप ढांचे पे कैसे चढ़े पता नहीं कैसे चढ़ गए उन्माद था जोश था लोग चढ़ते जा रहे थे चढ़ते जा रहे थे एक के ऊपर एक चढ़ते जा रहे थे हम भी चढ़ गए अच्छा अच्छा और एक जोश था बस आप वहां से कुछ के तौर पे लेके आए हाँ तो वो तो सभी लाए आप भी लाए थे <laughs> वहां उन्होंने कहा भाई प्रसाद लेके जाएंगे ये ये तो वो ढाचे का जो तीन गुम्बदों का ढांचा वो प्लेन का हो गया जब हम भी अपना प्रसाद अपने उसमें टेंट में रख के वापस जाते पता लगा तो सारा मामला प्लेन अब हमारे साथ में बैठे हैं आ, हमारे वरिष्ठ साथी और राम जी की गिलहरी के रूप में हमारे सादरा साउथ जोन के चेयरमैन पूर्व निगम पार्षद रवि शर्मा जी रवि शर्मा जी जिस प्रकार से आ, संतोष पाल जी हमारे साथ सरयू नदी में मिले थे आप भी मुझे सरयू नदी में मिले थे सरयू नदी से पहुंचने से पहले क्या हम आपसे विवरण जानना चाहते हैं किस प्रकार आपने किस प्रकार से कार सेवा कार सेवक में आपकी भूमिका रही उन्नीस वाली में जय श्री राम जय श्री राम, राम। अक्टूबर में जब हमारे को ये सूचना मिली कि तो हिंदू परिषद की बैठक हुई उसमें तय हुआ कि कार सेवा के लिए जाना है उस समय मेरे घर की भी परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे मैं दुविधा में था मेरी पत्नी बीमार थी परंतु जनून इतना था मैं उनके पास गया कि ऐसे ऐसे मुझको तो कार सेवा में जाना है उन्होंने बड़े सहज स्वभाव से कहा आप मेरी चिंता मत करो आप जाओ मैं कार छिहत्तर लोगों के हमारे जो वाहिनी प्रमुख के नाते में गया था उनको लेकर रेल से जैसे बताया कि रेल से गए और पता चला कि आगे धरपकड़ हो रही है रेल पे छापा मारेगा रात का टाइम था कोई दस ग्यारह बजे होंगे हमने चेन खींची रेल की और सारे जो लोग हैं पटरी पे उतर गए और उसी पटरी पटरी पर चलने लगे चलते हुए जैसे ही भी हम काफ़ी देर रात पूरी चलते रहे और सुबह चार पाँच बजे जैसे दिन निकला तो बोलने लगे कि यहाँ पर तो सड़क पर चलोगे तो आप पकड़े जाओगे इसलिए हमने खेतों का रास्ता ले लिया खेतों के रास्ते चलते चलते रात को हमने एक गांव के अंदर गए उन्होंने कहा कि ये तो पास में ऐसे गांव हैं जो मुखबरी करते हैं यादवों के गांव हैं आप इनसे परे से हो के चले तो हम उसको बचाते हुए परे से गए और एक भैंस पाल रखी थी गाय पाल रखी थी उसके अंदर उस सज्जन ने हमारे को उसमें रहने की अनुमति दी कि तुम मेरे जहाँ पर तबेला है इनमें रह लो तो हम वहाँ पर रहे और रहने के बाद देखा कि खाने के लिए भी उसमें था नहीं पहले दिन दो दिन तो हम जो लेकर गए थे अपने दाने और वो मुरमुरे उसको खा कर गुज़ारा किया और ऐसे ही एक बार शाम के टाइम हमारे को ये मालूम हुआ कि सड़क के पार में एक भड़बूंजा है वो शाम के टाइम दाने भूनता है तो हम हमने सोचा कि चलो हम उसके से दाने लाकर आपस में बांटते हैं लेते हैं खैर मैं और मेरे साथ थी एक त्रिपाठी जी थे और एक मल्होत्रा थे, हुँ। थे। हुँ। तो वो साथ गए हम दाने बुनवाए हम लेकर आए इतने में गाड़ियाँ जो रोड पर चलने लगी और धरपकड़ शुरू हो गई उस फिर भागते हुए हम छुपते हुए पहुँचे तो इस प्रकार से हमने छुपते हुए रात भर करते हुए तीन चार रातें हमने तो इसी प्रकार मतलब खेतों में बिताई जी लास्ट की रात की जब बात बता रहे हैं कि हमने सरयू तक पहुंच जाना था लगता था कि रात रात को कोई चलते थे दिन पर मतलब इधर उधर छुप जाते थे रात को चले और चलते वक़्त हमारे को पता चला जब सुबह उठ के सरयू के इस तरफ थे तो हमने देखा कि जिस जगह रात सोए हुए थे वहाँ पर अभी खेत कटे हुए थे और बड़े बड़े उसके अंदर वो अभी उसके थे जिसमें चलना मुश्किल होता है ऐसे में हम अ, मतलब उसमें रात में सोए भी एक आध डेढ़ घंटा सोए उसके बाद सरयू पार किया सरयू पार करके बीचों बीच में खादड़ में जैसे कह रहे हैं वहाँ पर पहुंचे तो सुबह का समय था ये एक नवंबर की बात रही होगी और कोई दस एक बजे सारे इधर उधर इकट्ठे हो गए और वहाँ पर हमने कहा एक महिला थी यहाँ राज रानी हमारे साथ तो कहने लगी कि खाना बनाएंगे खाना एक तसला लिया हमने और एक रेता को इकट्ठा किया गोल गोल बना के उसके अंदर मोमजामा डालकर प्लास्टिक डालकर आटा उसमें मला और खाना तसले में बनाया ही था तो ऊपर से मुलायम साहब जी का वो जो हेलीकॉप्टर घुमा और कहने लगे कि हाँ भी यहाँ पर चारों तरफ से आपको घेर लिया है तो हमारे जो संचालन कर रहे थे उन्होंने निर्देश दिया कि जो पैंतालीस साल से ऊपर के हैं वो गिरफ्तारी दे दें और जो उसके नीचे के हैं वो सवेरे हम सरयू पे मिलेंगे तो वो नो हम जंगलों में पराली गए थे वहाँ पर उन के जंगलों में हम रात को वहाँ पर चले गए सर रात को चले गए वहां पर पराली में मेरे ख्याल आप भी थे तो वहां पर हमने अपना एक छोटे से पराली इकट्ठा करके नीचे और ऊपर जो एक अंगोछा लेके ऊपर रखा था ताकि रात भर वहाँ पे रात को एक दृश्य बहुत भयानक देखा हमने तो वहाँ जाके जंगल में मेंढकों की आवाज आ रही थी तो उठ के देखा तो मेरी से कोई बीस कदम की दूरी पर एक सांप ने मेंढक को पकड़ा हुआ है अब हमारी दशा और भी भयानक होगी कि ये मेंढक को पकड़ा हुआ है हम तो घबराने लगे खैर वहाँ पर जो माजा के वो उधर लोग लोकल थे उन्होंने हमारे को बोला कि आप चिंता मत करो अपनी जगह पर बैठे रहो कुछ नहीं कहेंगे हम चलो जैसे तैसे रात निकाली सुबेरे चार बजे जिस रास्ते से सरयू पार करके पुल पे जाना था वो रास्ता हमने रात को तय कर लिया था उसके अंदर सरकंडे लगे हुए थे एक रास्ते के ऊपर हमने सोचा कि सुबेरे उठ के इसी रास्ते से जाना वो उन्होंने भी जो वहाँ के लोकल थे बताया कि रास्ता अगर भटक जाओगे तो फंस जाओगे यहाँ पे तो खैर हम सवेरे वहाँ पर जैसे रास्ता पार किया तो थोड़ा सा ही कदम रह गया होगा मतलब उसी समय दलदल -दल में फंस गए दलदल भी कहते हैं हमने तो सुना था कि भी दल दलदल तो चाहे इतना फंस गया घुटने तक की दलदल -दल थी और उसमें से निकलना मुश्किल था पिट्ठू मेरे ऊपर था मैंने बड़ी मुश्किल से एक निकाला दलदल दल पर लेटा सामने से त्रिपाठी जी ने तो साथ में कुएं ना वो था हैंड पंप, उस पे जाकर हमने अपने कपड़े साफ किए और नहाने के लिए किए जैसा ही वो कहने लगे तो हो रहा हमारा बीच में चोर मचा दी तो यादवों का काम है तुम्हारे को अभी मुकबरी हो जाएगी तुम फंस जाओगे फिर खैर भागे तब तक मतलब दिन निकल गया था चार साढ़े चार बजे का समय होगा तो देखा कि सरयू के तरफ जा रहे हैं पुल की तरफ हम उसके ऊपर चढ़े ही थे तो वो हमारे एक मतलब बड़े बुजुर्ग हैं मतलब वो कीर्तन कर रहे थे वहाँ पर बैठ के तो मतलब उनके साथ हम तो सीताराम कहेंगे हम तो राधे श्याम कहेंगे हम भी उनके साथ मस्ती से चलने लगे कि हनुमान गढ़ी में उतरना ही था इतने में श्रम दोनों तरफ से हो गई और बड़ी लाठी जबरदस्त मतलब गोली और ये चली नहीं। नहीं। और सरयू पे हमने मतलब रुक के भी अभी जाएंगे नहीं जोश था नीचे मैं लेटा भी तो त्रिपाठी जी ने मुझे खड़ा कर दिया कि तुम तो मतलब यहाँ पे मर जाओगे उठो इतने में उनको लटपट के वो मेजर थे तो वो बेचारे परेशान हो, हो गए कि यार मेरे को लठ मार दिया और मेरे एक मत सिपाही ने और मेजर को लठ मार दिया हमने कहा भैया यहाँ पे आप आप मेजर नहीं हो तो इतने में जो कूदे दर मतलब प्रवीण जी वो दृश्य देखने वाला था किस तरह से कूदे लोग सरयू के अंदर कैसे आ, गिर रहे हैं कैसे कूद रहे हैं और हमने तो फिर एक साइकिल लिया तीन चार लोगों को तो उठाया साइकिल पे बिठा के और साथ में एक मंदिर था वहां पर जाके छोड़ के आते वहां से फिर दूसरे लोग लेके जाते हमने उन लोगों को उठाया जो जिनके मतगोली लगी थी मुझे उस टाइम ध्यान आता है कि हम जब मिले थे वहाँ से सर्यु, सर्यु के बाद फिर एक पुलिस चौकी थी पुलिस चौकी हमारे हनुमान जी का मंदिर था उससे पहले वहां पर हमारे बी टी त्रिपाठी जी थे उनका सारा कुछ हमारा जो भी समान लेकर गए थे खत्म हो गया था तो मुझको कहने लगे मैं कह यहीं पर कोई खादी ग्राम उद्योग है वहाँ से कपड़े ले लेंगे हाँ, केस, 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 केस ले हाँ तो फिर हमने उनके लिए कपड़े लिए कहने लगे कहा मैंने हमने हमने कुछ पैसे छुपा के रखे हुए थे तो उसमें से निकाल के दिए तो वैसा एक दृश्य देखा उस वक्त जुनून इतना था कि कुछ कह नहीं सकते कि हमने तो सोचा ही नहीं था कि मतलब जब हमारे को वीपी शर्मा जी एक एडवोकेट हुआ करते थे हाँ आपको जाना हाँ हाँ। कि उन्होंने कोर्ट केस किया था वो और मेरे को पास वो आते थे जब वो कोर्ट केस जब उन्होंने किया राम बाबर नामा सुनाते थे बाबर की वो जो जिस प्रकार से उसने उस समय हिंदुओं के ऊपर किया था तो हमारा जोश इतना था कि वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो हमारे मन में ही नहीं था जो परिवार में वापस हाँ। जाएंगे ये तो मन से निकल चुका नहीं, था एक उसमें आपको शायद मैं स्मरण करा रहा हूँ आपके हम इकट्ठे थे जब हम पुलिस चौकी में हमने रात गुजारी थी पुलिस चौकी के बाद हाँ उसके बाद पुलिस चौकी में गुजारी थी रात हाँ 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 वो जब वापिस आए थे हाँ। और एक पुल के सीधी से रोड थी उससे दो किलोमीटर दूर के डेढ़ किलोमीटर हाँ, दूर पुलिस स्टेशन था उसमें आप थे, उसमें अग्रवाल थे हाँ, राज अग्रवाल भी थे रवि कांत महाजन भी थे और मतलब हमारे इंदर मल्होत्रा थे आप साथ खेस लेके आए थे खेस खरीद के लिए खेस है राम सेवक आचार्य जी थे हमारे बुजुर्ग थे वो भी वो भी उन्होंने और एक वो शादरा के जो

उस दृश्य को देखते हुए हमारे को लगता ही नहीं था नहीं। कि ये दिन भी हमारे को हमारे जीवन काल में देखना होगा ही ही। क्योंकि मतलब जब सुनाते थे कि छिहत्तर बार इसको अच्छा। आ, मतलब मत... एक बता है ये जब बानवे वाली जो कार सेवा थी जब ढांचा गिरा उस समय आपकी क्या भूमिका थी बानवे वाले मेरे को तो गिरफ्तार कर लिया था जी पहले ही बानवे में बानवे में, में मेरे को तो पहले मेरे मतलब जो एसएचओ एच यहाँ का था वो आ, उसने पहले लोकल। गिरफ्तार लोकल उसने कर लिया था मैं बीएल शर्मा जी के साथ था क्योंकि बीएल शर्मा जी मेरे ही यहाँ निवास पर आ, आके हा, वो हा, हा, रहते थे तो जैसे ही उन्होंने मतलब पूरे घर को ही घेर लिया मेरे को तो उठा के पहले ही ले गए थे फिर एसएचओ ने मेरे को बिरदी था एसएचओ थे जब ले कि वो गिर गया गिर गया तो उस जब पहला ढांचा गिरा उस समय तो उन्होंने और भी सतर्क हो गए परंतु जब तीसरा गिरा ना जी तब सब शांत हो गए पुलिस वाले पहले तो बहुत उत्तेजित हुए थे कि उसको भी पकड़ के लाओ उसको भी पकड़ के लाओ तो परंतु जब तीसरा गिरा तो उनको समझ में आ गई कि अब ये राम जी ने बस बहुत बहुत बहुत, बहुत, बहुत ले लिया है जय श्री राम जय आ, आ श्री राम बोली मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ ये देख बुद्धू एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल और जब वो सात सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी सतमोला सेलिब्रेट रिलीज ऑफ फुकरे थ्री इन थिएटर्स नहीं हुई अब हमारे साथ हमारे एक युवा साथी आज भी युवा है और पहले भी वजह से रवि शर्मा जी पहले भी इनकी यही लुक हुआ करती थी और आज भी यही लुक है प्रभु करें जब आप सतायु हों तब भी आपकी ऐसा ही आप दिखें ऊर्जावान दिखें हमारे साथ हमारे तत्कालीन युवा साथी बजरंग दल के आ, हमारे आ, संयोजक बजरंग दल के संयोजक होते थे उस टाइम इन्होंने और हमने मिलकर के बजरंग दल के त्रिशूल धारण के अनेक शिविर चलाए सैकड़ों हज़ारों लोगों को हमने त्रिशूल धारण कराए उस समय मैं इनके साथ सहयोगी हुआ करता था मैं कृष्णनगर प्रखंड का मैं संयोजक हुआ करता था और आप संयोजक हुआ करते थे संभाग के यानी कि तीन विभागों के संयुक्त संभाग हुआ करता था उमाकांत पराशर जी की जो भूमिका रही है वो रही है उन्नीस में शिलान्यास के समय और जो एक आरोप लगता है वो आरोप की प्रशिक्षण दिया गया था प्रशिक्षित कार्यकर्ता था जिन्होंने ढांचा गिराया उसकी भी कुछ जानकारी मिलेगी एक गिलहरी के रूप में मैं उमाकांत पराशर जी को मैं आह्वान करता हूँ कि वह अपने शिलान्यास के टाइम के अपने संस्मरण सुनाएं और आ, थोड़ा सा आप जो आपकी बानवे में आपकी भूमिका थी उसके बारे में बताएँ राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू होने से पहले मेरे पास संघ का दायित्व तो था मैं लक्ष्मीनगर जिले में जिला सहम कार्यवाह करके काम देखता था और राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान मुझे संघ की योजना से बजरंग दल का पहले विभाग और फिर तीनों विभाग जमुना पार के दिए गए और उस दौरान बजरंग दल काफ़ी एक्टिव था राम जन्मभूमि आंदोलन में जैसा कि प्रवीण जी ने बताया कार्यकर्ताओं में त्रिशूल धारण के काफी कार्यक्रम किए गए और बल्कि मैंने उस टाइम बीएल शर्मा प्रेम जी से कहा भी था मैंने कहा जी मैं तो शिक्षा के क्षेत्र का व्यक्ति हूँ और संगठन का व्यक्ति हूँ बजरंग दल में शायद मैं फिट ना हो पाऊ शिलान्यास तो नर... के टाइम जो था क्योंकि ना हम तो... उसको हम मुख्य रूप हाँ, से आपका शिलान्यास के टाइम हाँ उन्होंने फिर बजरंग दल में लिया मुझे और जब शिलान्यास की जैसे बात कर रहे हैं तो शिलान्यास के समय जब कार्य सेवकों को जाना था तो वाहिनियाँ बनाई गई उनके वाहिनी प्रमुख बनाए गए जाने के लिए तो मुझे कहा गया कि आप लखनऊ स्टेशन पे दिनमान पत्रिका के रिपोर्टर के रूप में आपकी ड्यूटी रहेगी तो मैंने अधिकारियों को बोला मैंने कहा जी मैं रिपोर्टर की तरह से वहाँ खड़े रहना नहीं चाहता हूँ मुझे आप कार सेवक के रूप में वहाँ भेजें तो फिर मैं वाहिनी प्रमुख बन के और एक वाहिनी के साथ गया और रिपोर्टर के रूप में फिर दूसरे कार्यकर्ता थे उनको वहाँ लगाया गया और हम लोग ट्रेन से पूरी वाहिनी गई हमारी तो बीच बीच में जैसा कि पहले भी बताया चेकिंग हो रही थी पुलिस वाले चेक कर रहे थे कहीं कोई भगवा वस्त्र कोई भगवा पटका कुछ ऐसा मिल जाता था किसी के पास त्रिशूल मिल जाता था उनको अरेस्ट कर लेते थे बाद में कहा गया कि भाई ये सब लेकर नहीं जाना है तो फिर पुलिस वालों ने देखा कि जिनके पास चने मुरमुरे मिल जाते थे इसका मतलब ये लोग वहाँ जा रहे हैं तो ये देख के भी अरेस्ट करना शुरू किया तो काफ़ी सारे लोग बीच बीच में अरेस्ट होते जा रहे थे और कहा जा रहा था कि किसी को अरेस्ट करते हैं तो आपने रिएक्ट नहीं करना कारण कि आप रिएक्ट करोगे तो पता चलेगा कि आप भी इनके साथ और आप भी अरेस्ट हो जाओगे और लोग तो काफ़ी लोग अरेस्ट हुए और फिर कहा गया कि लखनऊ स्टेशन जब आप पहुँचोगे तो वहाँ पर लोकेशन बताई गई कि वहां पर एक सज्जन मिलेंगे जिनके यहाँ पर एक ऐसे आड़ी टेप लगी होगी तो आप वो उनसे जाकर आप मंत्र एक बोलेंगे आधी लाइन वो बोलेंगे आपने कंप्लीट लाइन करनी है तो उसके बाद वो आगे का रास्ता आपको बताएंगे तो हम जब वहाँ पहुँचे तो देख रहे थे कौन ऐसे टेप लगा कर खड़े हैं तो देखा तो हमारे एक प्रचारक ही थे दिल्ली के तो हमारे संघ शिक्षा वर्ग में वो शिक्षक भी रहे थे तो मैंने उनको नाम से पुकारा अभी नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है तो नाम से पुकारा तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया जैसे जानते ही नहीं हैं तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा नाम ले रहे हैं फिर भी जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर मुझे ध्यान आया कि अरे रे ये तो हमको कहा गया है कि मंत्र बोलेंगे तब उन मंत्र की आधी लाइन बोली फिर इधर से दूसरी लाइन बोली गई तब उन्होंने फिर बताया कि आगे जाकर राइट में रास्ता है वहाँ से जाओगे तो छोटी लाइन मिलेगी वहाँ से ट्रेन मिलेगी तो वहाँ तक हम लोग वाहिनी में तीन लोग रह गए थे बाकी तितर बितर इधर उधर कहाँ थे पता नहीं तो हमने फटाफट फटाफट पुलिस वाले बहुत थे क्योंकि रात को बारह बजे के लगभग टाइम था पौने बारह साढ़े ग्यारह बारह ऐसा कुछ होगा ज़्यादा रश था नहीं तो हम लोग जल्दी जल्दी देखा तो उधर जो दूसरी लाइन की तरफ जा रहे थे वहाँ एंट्रेंस थी वहाँ की वहाँ पर पुलिस वाले खड़े थे तो मैंने अपना बैग खाली करके दोनों दो कार्यकर्ता थे गिरीश जी थे हमारे तेरे लोकप्रिय के एक उत्तरी दिल्ली के विभाग से जगत थे सुरेश जी ये तीन लोग हम बचे थे तीनों लंबे लंबे लगता था जैसे खुद ही पुलिस वाले हैं तो मैंने अपना बैग का इसमें डाला पहली बार जीन्स खरीदी थी, थी मैंने पहनने के लिए मैं कभी जीन्स नहीं पहनता था तो ये बोले भाई साहब वहाँ तो पुलिस वाले खड़े हैं जाने नहीं देंगे और भीड़ भी है नहीं कि भीड़ में निकल जाए तो एक मैगजीन इंडिया टुडे मेरे हाथ में थी मेरे हाथ खाली थे मैंने इनको बोला मैंने कहा कोई रोकेगा ना तो कहना साहब के साथ है मैं फटाफट जैसे पुलिस वाले चलते हैं हम लोग संघ में भी चलते हैं तो वैसे चला आया पुलिस वाले ने रोका है कहाँ जा रहे हो दिखाओ बाइक में क्या है बोले हम साहब के साथ हैं और मैं रुका नहीं मेरे पीछे पीछे ये भी चले आए वहाँ रेलवे लाइन पर देखते हैं तो कोई ट्रेन ही नहीं है वहाँ पर जैसा बताया गया वहाँ ट्रेन अभी चलने वाली है हम देख रहे हैं तो एक को पूछा मैंने कहा कोई ट्रेन बोले वो जा रही है सामने तो एक लाल बत्ती दिखाई दे रही थी दूर हमने लगाई दौड़ लगाते लगाते प्लेटफॉर्म खत्म हो गया तब जाके वो ट्रेन पकड़ में आई लेट हो गए थे वहां जाके ट्रेन में बैठे फिर बताया गया कि रात को ढाई बजे वो कौन सा स्टेशन था वहाँ रुकेगी ट्रेन तो वहाँ पे उतरना है मनकापुर मनकापुर शायद हाँ तो बीच बीच में वो जहाँ ट्रेन कोई स्टेशन आता था वो पुलिस वाले ऐसे टॉर्च मारते थे देखने के लिए वो मनकापुर आया वहाँ लिए लोग उतरे सब लोग हम भी उतर गए तो वहाँ देखा कि पुलिस वाले खुद ही मतलब इनडायरेक्टली टॉर्च दिखाकर रास्ता दिखा रहे हैं इधर जाओ और जो गश्त कर रहे थे वो देखा कि ड्यूटी पर थे बट वर इग्नोरिंग खैर फिर भी हम लोग वहां से उतर कर खेतों में होते हुए जैसे रवि जी ने भी बताया खेतों में रात को रुके जो साथ में थोड़ा बहुत खाने का लेकर गए थे उसको खाते हुए चले आगे और ऐसे वो करते वो शिलान्यास के टाइम का बता, ये, क्या रहा? ये शिलान्यास के टाइम का ही बता हाँ, रहा। हाँ, हाँ, नहीं, आगे का क्या ये शिलान्यास के समय का ही बता रहा हूँ तो उसके बाद वहा शिलान्यास के लिए बाहर एक टेंट उन्होंने लगाया था टाउन के बाहर शहर के बाहर लगभग पौना किलोमीटर लंबा और जहाँ पे कार सेवाओं के रुकने की व्यवस्था की गई थी और जब शिलान्यास हुआ तो सबसे बाहर एक यूपी पुलिस वालों का घेरा था सिक्योरिटी का उसके अंदर एक सीआरपीएफ का घेरा था सिक्योरिटी का उसके बाद में एक कार्यकर्ता जो हमारे बजरंग दल के जो प्रमुख कार्यकर्ता थे विभिन्न प्रांतों से आए हुए उनका एक सिक्योरिटी का घेरा था उसके लास्ट में सबसे अंदर पाँच हम स्वयं थे दिल्ली के विभाग स्तर के तो जिनको थे और वहाँ बिल्कुल जहाँ शिलान्यास होता वहाँ पर हमारी ड्यूटी थी कि भाई आपने यहाँ पर रहना है ऐसे ही बीच में रात को भी कार सेवकपुरम में सिक्योरिटी की ड्यूटी रक्षा की ड्यूटी रहती थी तो दिल्ली प्रांत की हमारी ड्यूटी थी बजरंग दल की तो रात को हम सब लोग ड्यूटी पर थे तो हमारे एक विभाग संयोजक थे यहाँ देशपाल दहिया एडवोकेट थे सुरेश जी उत्तरी दिल्ली के संयोजक थे मैं था और भी थे रात को एक मुसलमान को पकड़ा हमने वो घुसने की कोशिश कर रहा था तो ये देशपाल दैया जी पकड़ लाए उसको ये थोड़ा खुर्राट टाइप के आदमी थे देशपाल जी एडवोकेट भी थे और बड़े तेज तरार थे और उसको मतलब आप विश्वास नहीं करोगे उसकी पेंट तक उतरवा के चेक कर ली उन्होंने कि ये क्यों घुसने की कोशिश कर रहा है तो ये शिलान्यास के समय की बात थी उसके बाद बजरंग दल के तीन प्रशिक्षण शिविर लगे थे अहमदाबाद में सरखेज एक जगह है वहां पर एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे आर्मी के उन्होंने का कैंपस था लगभग दो एकड़ जगह में तो जैसे पुलिस वालों को मिलिट्री वालों को ट्रेनिंग देते हैं उस तरह से उन्होंने सारा सेटअप बना रखा था वो प्रशिक्षण का तो तीन बैच में एक बैच में मैं गया था दिल्ली से हर प्रांत से हर बैच में हर प्रांत से एक एक कार्यकर्ता बुलाते थे वो तो हमारे बैच में चौबीस कार्यकर्ता थे बजरंग दल के और बारह दुर्गा वाहिनी के छत्तीस लोग थे तो एक महीने का वो लगभग शिविर था जिसको बाद में सरकार ने कहा कि इनको मंदिर मस्जिद तोड़ने का प्रशिक्षण दिया गया वहाँ पर वास्तव में मस्जिद तोड़ने का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था केवल बजरंग दल का प्रशिक्षण दिया गया था तो वो शिविर हम लोगों ने अटेंड किया उसके बाद जब ये ढांचा टूटने वाली बात थी ढांचा तो इनडायरेक्टली आइडिया था कि ऐसा होगा प्रत्यक्ष रूप से किसी को कहा नहीं गया था लेकिन इनडायरेक्टली था मैसेज कि हाँ भाई दिस इज गोइंग टू हैपन तो उस टाइम भी हमको जाना था लेकिन एक दो दिन पहले अधिकारियों ने बोला कि नहीं यहाँ भी स्थिति खराब हो सकती है सब लोग चले जाएंगे इधर अगर खाली हो जाएगा और कुछ गड़बड़ होगा तो फिर संभालना मुश्किल है तो उस समय हम लोग फिर यहाँ रुके बाद में सारा सबको पता है छः तारीख को वहाँ क्या हुआ छः तारीख को जो पिक्चरें आई तस्वीर आई, उसमें कुछ लोग बजरंग दल के विभिन्न प्रांतों के जिनको हम फेस पहचानते थे वो लोग हमने देखे वहाँ पर और उस प्रशिक्षण शिविर में भी वो लोग थे जिनको कहा जाता है हमारे साथ प्रशिक्षण शिविर में भी रहे जो वहाँ उसके गुंबद के ऊपर दिखाई दिए तो ये सारे उमा कांत जी मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप उस समय के एक केंद्र बिंदु थे आपका हम आपको एक प्रमुख गलहरी के रूप में राम जी की गिलहरी के रूप में आपका अभिनंदन करते हैं जय श्री राम जय श्री राम तो अब मैं जिनसे आपको मिलाने जा रहा हूँ वो भी मेरे साथ कार सेवा में हमारे साथ रहे हैं और उनका नाम होता है श्री रविकांत महाजन जय श्री राम, राम। रविकांत महाजन आप माननीय ईश्वरदास महाजन जी के आपसे पुत्र हैं ईश्वरदास महाजन जी पूर्व में हमारे दिल्ली प्रांत के सह कार्यवाह रहे और आप विभाग संचालक भी रहे साथ ही साथ रविकांत महाजन जी भी शाखा कार्यवाह शाखा मुख्य शिक्षक की जिम्मेदारी निभाते हुए आप भी संघ में काफ़ी सक्रिय रहे और 1990 की कार सेवा में भी आप हमारे साथ थे और ये पारिवारिक संस्कार थे पूरा परिवार संघ परिवार है आप पारिवारिक सांस्कार संस्कार के साथ आप जुड़े रहे तो उस नाते आपने भी कार सेवाओं में रहे तो आप मुझे सरयू के निकट जहां रवि शर्मा जी तिलक राज अग्रवाल जी बी डी त्रिपाठी जी जहां थे जहां तिलक राज अग्रवाल जी रवि शर्मा जी और जहां बी डी त्रिपाठी जी मिले वहां आप भी मुझे अयोध्या में मिले थे अयोध्या में आप मुझे मिले वहाँ तक की तो कहानी मुझे पता है आप सरयू के निकट कैसे पहुँचे ये हम आपसे संस्मरण सुनना चाहेंगे राम जी की गलहरी के रूप में रविकांत महाजन जी जहाँ तक मेरे को याद है जब हम लोग यहाँ से चले तो मेरे साथी जो सब अपना जगदीश पाल जी थे अपना रवि जी थे देव पाल जी अच्छा संतोष पाल, शंतोष पाल जी संतोष पाल जी थे रवि शर्मा जी थे तो बाकियों का नाम तो मेरे को याद नहीं रहा मेरे को वो तो पुरानी बात हो गई लेकिन मेरे को याद है मेरी शादी को समय वो ज्यादा समय नहीं हुआ था जब शादी हुई थी हमारी थोड़ी सा मेरी 6 आठ महीने हां आपके विवाह में मैं भी गया था तो उस समय घर में भी सबने कहा भी जाना है स... या की बात भी एटी, -एट एटी एट की एटी एट तो घर वाले हमारे ससुराल वाले भी बहुत परेशान हो गए लेकिन हमारे पिताजी का आदेश था कि भाई जाना है तो जाना है हमने कहा जी हम भी जाएंगे जी कोई दिक्कत नहीं तो हमारी पत्नी ने कहा अगर राम काज करना है तो फिर आपका जाना अति आवश्यक है और आपको जाना चाहिए तो उसमें आप अपने जो कदम है वो पीछे ना खींचे हम जब यहाँ से गए थे तो हमें याद है कि एक सिर्फ झोला था मेरे उस मेरे कंधे के ऊपर जिसमें दो जोड़ी कपड़े थे तो जब ट्रेन में बैठे तो हमें कहा गया था कि भाई बहुत ज़्यादा आपस में बातचीत नहीं करनी चलो चुपचाप सो गए जी जा के तो जब हम लखनऊ से जहाँ तक लगता है मेरे को पहले थोड़ा सा हम रुके थे तो वहाँ से जब हमें वहाँ ट्रेन पे उतारा गया तो वहां से हम रात को चलते 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 चलते, चलते पटरी से फिर हम आगे पहुंचे तो हमें मालूम है कि भी हम खेतों में या कभी हमने एक दिन हमने रखा था जो काटा वो खेत के अंदर काटा था तो जो जैसे रवि शर्मा जी ने कहा था उस वक्त मैं तीन बैठ दूर था जहाँ पे इनको सांप मिला था तो उससे तीन बेट दूरी के ऊपर मेरे पास <laughs> था अब उस दिन रात को ये इंसिडेंट हुआ तो रात को नींद भी नहीं आई क्या करें जी कोई बात नहीं अब जैसे हो गए रात गुजारी तो उसके बाद फिर हम आगे गए रात को फिर एक जगह हम पुआल में सोए थे अस्तबल था वो मगी की जहाँ गाय बांधते हैं उसको घोड़े तो वाला नहीं जो मकी गायसे जहाँ बांधते हाँ, तबेला उसके अंदर सोए हम तो वहाँ जहाँ पे पानी उसको गाय को पिलाते हैं, चारा देते हैं जिसमें उसके पीछे छुपके सोए थे चार लोग थे हम लोग तो रात को चार लोग एक जगह पे सोए तो नींद कैसे आएगी वो तो तो अलग अलग जगह पे सुलाया हमें तो ऐसे करते तीन दिन हमने ऐसे बाहर खेतों में और वहां पे काटे थे तो फिर हम पहुंचे थे सरयू नदी तो मेरे ख्याल से सुबह साढ़े नौ दस बजे साढ़े नौ समय था जो हम पहुंचे थे उसी समय हम भी पहुंचे थे तो दो बस दो आगे पहुंचते थे तो पुलिस वालों ने हमें कोई ज़्यादा बल्कि जब रात को भी हमें कई जगह तो हमें गाइडेंस दी पुलिस वालों ने ना रात को हमें लाइट जलाने की परमिशन थी ना टॉर्च जलाने की परमिशन थी कि भाई ना रात को टॉर्च जलानी न कुछ करना है तो फिर सरयू पे पहुंचे तो वहाँ पर जाकर जब हमने देखा तो हजूम जिसे कह सकते लाखों की भीड़ वो वहाँ पर थी हम अकेले इस कार्य उसमें नहीं थे कि भाई हम दस बीस पचास सौ बंदा हो लेकिन जहां तक मुझे याद है कि गिनती नहीं हम गिन सकते थे इतना 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 व्यक्ति वहां पे था तो हमने कहा जी चलो आगे चलते हैं हमारे साथी जो हमारे साथ थे आगे चले पीछे पीछे हम भी साथ उनके साथ इकट्ठे टोली बना के चल रहे थे तो हमें पुलिस वाले रोका नहीं सरियों पे जाते हुए।, हुए।, हुए तो सरियों के पुल पे जब बीच में पहुंचे थे तो उसी वक्त ही उन्होंने लाठीचार्ज शुरू किया गोली वगैरह तो इधर भी पुलिस वाले हैं और इधर भी पुलिस वाले वो उनका षडयंत्र था वो तो वहां से कितने लोग बल्कि कईयोंवक थे उन लोगों ने ने तो ऊपर से से पुल कई लगाई हमें तो तैरना आता नहीं था तो हमने कहा हम तैर तो सकते हैं। नहीं अब क्या किया जाए तो मैं कहा भागना वापसी कदम खींचे देखते हैं फिर जब तक होगा देखा जाएगा तो हमारे साथ के एक सज्जन थे उनको चोट लगी थी उनको उस वक्त गोली लगी थी पैर में तो उनको गोली लगी तो फिर उनको उठाया कंधे पे उनको घसीटते घसीटते हम लेके आए तो फिर हम उस पुल से नीचे उतर के लेफ्ट साइड पे जो था हम वहां रुके तो इस वहां पे इतना लाठीचार्ज और इतना खून खराब इन लोगों ने किया कि जिसे आप ये मांग कर सकते हैं कि भाई जिसे नरसंहार का आप रूप दे सकते बिल्कुल नरसंहार जो लोग ये कहते हैं कि भाई कि दो चार बंदे मरे थे या पचास बंदे मरे थे उसकी गिनती नहीं है अब इसको इन बातों को आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि जो उस वक़्त की सरकार थी उसने ये कहा जी कि ज़्यादा लोगों ने नहीं मारा जी हमने उसे लाठी चार्ज किया लेकिन उन्होंने जो बेसिकली है कि इतना नरसंहार किया इतनी गोलियां इतनी मार मारी थी कि कितने लोग मरे हैं ये आप ब्याह नहीं कर सकते आप आ, मुझे र, आ, शाम को छः बजे के आसपास हम मिले थे रवि शर्मा जी तिलगराज अग्रवाल संतोष पाल आगे निकल गए थे मैं तिलगराज अग्रवाल रवि शर्मा जी बी डी त्रिपाठी जी और अमरनाथ भाटिया जी आगे फैजाबाद मिले थे आ, तो आप हम जब रात को हम एक पुलिस चौकी शायद रही होगी हम सब ने रवि शर्मा जी ने खेस खरीद के लेके आए थे हम रात को वहीं हम पुलिस चौकी के बाहर हम सब रात हमने वहीं बिताई थी वो बताइए क्या था क्योंकि तो जब शर्मा जी खेस खरीद के लाए थे तो इन्होंने वो खेस जो थे वहाँ पे दुकान बहुत बड़ी नहीं थी तो इन्होंने कहा कि भी खादी ग्राम उद्योग की एक छोटी दुकान थी वहाँ से हमें मिले थे तो उसी में हमने सब लोगों ने कि जितने भी वहाँ का हमारे पैसों की भी कमी थी लिमिटेड पैसा था जेब हाँ, में बिल्कुल मैक्सिमम बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे मगर हमारे पास होते थे तो हम किस तरीके से उसको उन्होंने रवि जी ने कैसे अरेंज किया कहाँ कहाँ से अरेंज किया तो रवि जी की उम्र हमारे से ज्यादा थी तो हम तो इनके पीछे पीछे चलने वालों में थे तो इन्होंने कैसे खरीदा तो हमें तो भाई कहा कि इतना वहाँ पे लेके जा रहे हैं मगर लेने चलो योजी आपको दिक्कत नहीं है हमें तो ये लेके आए थे तो बाकी वहाँ के जो पुलिस वाले थे थे काफी मैं देखो हंड्रेड परसेंट की बात नहीं लेकिन बहुत लोग ऐसे थे उनमें महिलाएं जो पुलिस कर्मी थी उन्होंने भी बड़ा सहयोग दिया कि आप इधर से निकल जाओ इधर से चले जाओ मुझे ध्यान आता रवि रहा साहब कि उस समय तिलक राज अग्रवाल जी भी हमसे बड़े थे और तिलकराज अग्रवाल जी से एक सीआरपीएफ के कांस्टेबल महिला कांस्टेबल ने पूछा कि अंकल आप लोगों के पास कुछ पैसे वगैरह भी हैं नहीं हैं वापसी के लिए तो उन्होंने इकट्ठे करके दिए थे पैसे मैं वही कह रहा हूँ कई 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 लेडीज ऐसी थी महिला पुलिसकर्मी थी कि जिन्होंने हम लोगों की बहुत मदद की ऐसे ही कई जो राम भक्त उसमें थे जो पुलिस वाले भी कई लोग थे उन लोगों ने भी हमारे लोगों की काफ़ी मदद की मुझे बात, बात से निकलने में एक बात रवि जी मुझे ये भी ध्यान आती है कि शायद जब हम यहाँ से सरयू से हम एक टेम्पू टाइप में हम सब इकट्ठे होके चले थे और या तो वह फैजाबाद रहा होगा या कोई एक कस्बा था जहाँ पर हम सब दोपहर में इतने पहुँचे तो हमें नहाना धोना किया था और एक बड़ा घर था वहाँ पर सबको उन्होंने भोजन कराया था शायद वो किसी कांग्रेसी परिवार था ज के आसपास के हाँ, दे, बाद था। था। वो मतलब अगर हम कहें उस समय कोई पार्टी नहीं थी कांग्रेस के लोग भी थे वो भी खुल करके हम लोगों का साथ दे रहे थे राम के नाम पर जहां तक मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात करूं कि मैं खुद सरयू से छलांग लगाने वाला व्यक्ति था खुद बहुत लाठी चार्ज हुआ रबड़ की गोली भी मुझे लगी थी और सौभाग्य से जब मैं छलांग लगाई तो वो पत्थरों की ढलान थी और एक झोपड़ी की कि, हाँ, किसान की किसान, थी। कि, किसान की झोपड़ी थी चार बजे तक मैंने वहाँ पर रेस्ट किया क्योंकि मेरा पैर बड़ी बुरी तरह घायल था तो उसके बाद फिर हम जब मैं ऊपर आया तो संतोष पाल मिले रवि शर्मा जी मिले फिर हम वहाँ पर गए थे तो कहने का मतलब केवल ये नहीं कि हिंदू हिंदू था जिसके अंदर को एक इंसिडेंट याद आता है आपको पता नहीं ध्यान हो या ना हो एक झोपड़ी में वो रुके थे तो एक किसान थे उसकी मिया बीवी उनकी माता जी थी एक छोटा बच्चा था उनका हुँ। हुँ। तो मेरे को याद है उस मैंने जब हम लोग वहाँ बैठते थे उनके साथ में हाँ। तो उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे नहीं। वो कहते जी मेरे पास जितनी श्रद्धा है मैं उतना ही कर सकता हमने भी कहा ठीक है कोई बात नहीं तो उनके बेटा मेरे को याद है कि बहुत पतला सा था उसको कोई दिक्कत थी तो उसने कहा हमने मुझे भी दिक्कत क्या कहता है जी इसको प्रॉपर खाना नहीं मिलता डॉक्टर ने इसको घी खाने के लिए बोला तो मेरे को याद है कि मेरे साथ के जो

तो हमने कहा जी वो अपना अपनी धर्म पत्नी को बुलाइए जरा मिल ले मिलने नस्ते हाँ, कर ले संस्कार हाँ, हाँ, ऐसे भी जब हाँ, से निकलते हाँ, हैं तो घर के हर एक हाँ, को लेते हाँ, करते हाँ, हाँ, हैं हाँ, हाँ, तो हमने कहा जी नस्ते हाँ। नस्ते कर लेते हैं जी तो हमने कहता है उसने हमें साइड पे ले गया कहता है भाजी हमारे माता जी के पास और पत्नी के पास एक साड़ी कहता है वो साड़ी हमारी माता जी या तो बाहर आ सकती है झोपड़ी में से या फिर वो आ सकती है तो माता जी अंदर जाएंगी तो हमारी धर्म पत्नी वो बाहर आएंगी हुँ हुँ। मैंने वहाँ पे इतनी गरीबी भी देखी हु। मन में मगे आंखों में आंसू आ गए कि ऐसे लोग जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है हुँ हुँ। लेकिन वो भी इस कार्य में सहयोग कर रहे है उनके पास जितनी संभव हो सके वो सहायता कर रहे हैं एक मुझे बड़ा मजेदार संस्मरण भी आपके साथ याद आता था क्योंकि मैं तो आपके साथ ही सोया हुआ था और शायद दूसरी तरफ या तो रवि शर्मा जी थे या फिर कोई और आपके साथ ही थे रात को सुबह आपने संस्मरण सुनाया कि रात को आपको सपना थपड़ तो मारने वाला थप्पड़ मारने वाला नहीं बाल खींचने वाला इनको सपना आया कि मतलब इनका घर का कोई बच्चा मिट्टी खा रहा है तो ये उसके मुंह से मिट्टी खींच रहे हैं तो वास्तव में अपने साथी के बाल खींच रहे थे तो ऐसे ऐसे जब मेरा भी संस्मरण है कि जब हम खेतों में रात गुजारे थे कड़ाके की ठंड थी तो हमें सपना घर के आते थे लेकिन हम वहाँ पर खुले में आसमान में हम सो रहे होते थे या रहे होते थे और वो ऐसे में रवि शर्मा जी आपने गिलहरी के रूप में आपने इतना काम किया आपने अपना समर्पण दिया आपको हार्दिक साधुवाद जय श्री राम जय श्री राम।, राम।, राम हमारे बीच में बी शर्मा प्रेम जी के अभिन्न मित्र साथी सखा या कहूँ मेरे पिताजी आचार्य जगदीश जगदीश आर्य जी और प्रोफेसर सारस्वत मोहन जी बड़े गहरे मित्र थे भाई भाई के छोटे बड़े भाई के रूप में थे और जब बी.एल. शर्मा प्रेम जी के जहाँ भी व्याख्यान होते थे जोशीले वहाँ पर सारस्वत मोहन मनीषी जी ना हो या हमारे पिताजी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता था और जहाँ उस दौर में साध्वी रितंबरा जी को चर्चित होने से पहले उमा भारती समझा जाता था साध्वी रितंबरा जी के भाषण बेल शर्मा प्रेम जी की सिंह गर्जना और प्रोफेसर सारस मोहनी मोहन मनीषी जी के ओज भरी कविताओं ने जिस प्रकार से उस आंदोलन को गति दी ऐसे हमारे बीच में उपस्थित हैं जय श्री राम जय श्री राम पूछिए चाचा जी आप राम जन्मभूमि आंदोलन से कैसे जुड़े मैं उन्नीस से उन्नीस तक डीएवी कॉलेज अबोहर में प्रोफेसर था संघ से अपना पुराना नाता है बाल स्वयं रहा तो मुझे विश्व हिंदू परिषद का नगर का अध्यक्ष बना दिया गया तो उस समारोह में कार सेवा में जाने के लिए मेरी पत्नी और मेरे बीच में टाई हो गई श्रीमती जीत कर बैठी कि मैं जाऊंगी मैं जीत कर बैठा कि मैं जाऊंगा बच्चा था हमारा सवा साल का तो सब कुछ देखते हुए प्रोफेसर ब्रिजलाल रेणुवा जी जो उन दिनों हमारे संघ के संघ चालक थे तो उन्होंने कहा भाई सारस्वत मोहन मनीषी जी तो दोबारा जत्थे भेजेंगे उसमें सक्रिय रहना जरूरी है श्रीमती मनीषी तो मैं बड़ा गुस्सा भी हुआ अपना आक्रोश भी दिखाया बोला निर्णय तो निर्णय है तो मैं श्रीमती को घर से लेकर उसका सामान वगैरह तैयार करवा कर गाड़ी पर छोड़ने के लिए आ गया बच्चा सवा साल का वो प्रॉब्लम तो श्रीमित तो ने कहा कि मैंने मम्मी से बात कर ली है मम्मी के पास रहेगा आदित्य वो स्टेशन से ले लेंगे और मैं चली जाऊंगी तो अभी ट्रेन आने में मेरे ख्याल से पंद्रह बीस मिनट की कमी थी कि तभी सूचना आई कि भाई वहाँ पर तो जत्थे बहुत ज्यादा पहुँच गए तिल धरने को भी जगह नहीं है इसलिए अभी जत्थे भेजने वाली योजना को स्थगित किया जाता है तो वो सारा हो गया उसके बाद उन्नीस सौ इक्यानवे में मैं दिल्ली आ गया मेरा दुर्भाग्य कहूँ या सौभाग्य कहूँ या भाग्य कहूँ पता नहीं क्या कहूँ कि कार सेवा में मैं नहीं जा सका एक बार भी नहीं जा सका उन्नीस सौ वाली उन्नीस सौ बानवे वाली कार सेवा में विश्व हिंदू परिषद का मंत्री था प्रांत का बजरंग दल का प्रभारी था सारा सामान तैयार करके बी एल शर्मा जी के साथ जाने के लिए स्टेशन पर आ गए तो जो पाल साहब ने फोटो दिखाई है ना उस समय की एक माइक मेरे हाथ में हाँ हाँ, आप कविता पढ़ रहे हो और दाढ़ी वाड़ी भी वैसी ही है कविता तभी बी एल शर्मा प्रेम जी ने बोला है बोले बच्चे सुनो आपको नहीं जाना है अब मेरे तो पैरों के नीचे जैसे किसी ने जमीन खिसका दी क्यों? बोले भाई परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं और आदेश आदेश है मुझे पता है कि आपके मन में दुख है आप सारी तैयारियां करके आए हैं लेकिन आपको नहीं जाना तो नहीं जाना यहाँ पीछे कौन संभालेगा और हमने सारे सबने निर्णयेंगे तो मैं नहीं गया लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि मैं नहीं गया यार, फिर भी गया हुँ, हुँ, हुँ. आप कहेंगे कैसे उन दिनों साध्वी रितंबरा जी और उमा भारती हाँ, आपके मेरी कविताएं है। बहुत बोलती थी साध्वी रितंबरा जी के साथ तो यह था कि मेरी कविताएं मुझे कम याद थी और उनको ज्यादा याद थी हुँ, हुँ. तो जब ये 6 दिसंबर वाला हो गया कल्याण हो गया तो मेरे पास देवीलाल लालवानी जी हैं रोहिणी में रहते हैं उनका फोन आया बोले मनीषी छा गए आप तो मैंने क्या बात बोले साध्वी जी ने आपकी कविता एक बार फिर महादेव हर हर बम बम बोल जाने दो वो कविता बोलिए निवेदन है एक बार कविता सुना देता हूँ एक बंद सुनाता एक बंद नहीं पूरा पूरा सुना एक बार सरयू की ले सौगंध सिंह जय श्री राम एक बार सरयू के लिए सौगंध चढ़ो सिंहासन शासन पर हाँ। अपमानित पांचाली का ले क्रोध शासन पर एक बार कंकर कंकर को शिव शंकर हो जाने दो एक बार फिर महादेव को प्रलयंकर हो जाने दो नेत्र तीसरा खुल जाने दो अभियंकर हो जाने दो वाह मुक्त अर्जुन को गिरा हुआ गांडी उठाने दो राणा सांगा की छाती को घाव में खो जाने दो और एक बार हर घाटी को हल्दी घाटी हो जाने जय श्री राम। राणा सांगा की छाती को घाव में खो जाने दो एक बार हर घाटी को हल्दी घाटी हो जाने दो तलवारों के लिए वैरियों के सिरकम हो जाने दो और एक बार हर हर गंगे हर हर बम बम हो जाने दो बहुत संभव बहुत कोई कब तक सहत आ जाए सहने की भी सीमा है वाह कब तक आंसू बहते जाएं बहने की भी सीमा है कब तक हम चुपचाप रहें चुप रहने की भी सीमा है और कब तक मां बाप कहें कहे हम, हम, हम कहने, कहने की, की, भी, की सीमा भी सीमा है बहुत अच्छे बहुत अच्छे एक अन्यायी का हर गर्व झ झ पड़ता है जरा सं तोड़ कीचक पछाड़ना पड़ता है दुश्मन के वक्षंड शत्रु का पेट बहुत बहुत जय श्री राम हर हर महादेव धारण कर बगनखा शत्रु का पेट फाड़ना पड़ता है नई क्रांति हित मंगल पांडे का उद्गम हो जाने दो और एक बार हर हर गंगे हर हर बम बम हो जाने दो खून खराबे से क्या डरना खून खराबे से क्या डरना खून खराबा होने दो शोर शराबे से क्या डरना शोर शराबा होने दो एक बार जो भी होता है भोले बाबा होने दो और बच्चे बच्चे को फिर से करता शराबा होने हर महादेव बच्चे बच्चे को फिर से करतार सराबा होने दो सीता कैसे वापिस आती हाँ। प्रभु यदि क्रुद्ध नहीं होते देवा सुर संग्राम होता तो मन शुद्ध नहीं होते भीतर युद्ध नहीं लड़ते तो गौतम बुद्ध नहीं होते और पापी ही सब कुछ पी पा रेक्ष्ण जाते रेक्ष्ण। यदि युद्ध नहीं होते जय श्री राम पापी ही सब रेक्ष्ण। कुछ रेक्ष्ण। पी पा जाते यदि युद्ध नहीं होते नारायणी नारी नारायणी पुरुष को पुरुषोत्तम हो जाने दो बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत नारी नारायणी पुरुष को पुरुषोत्तम हो जाने दो एक बार हर हर गंगे हर हर बम बम हो जाने दो हर हर बम्बे हो जाने दो ये थे हमारे ओज के प्रखर हस्ताक्षर बी एल शर्मा प्रेम जी के अभिन्न साथी प्रोफेसर सारस सारस्वत मोहन जी आप उस समय विश्व हिंदू परिषद के आप प्रांत के मंत्री थे जैसे उमाकांत पराशर जी को निर्देश दिया गया था कि आपने दिल्ली की स्थिति संभाल है ऐसे मनीषी जी को भी बोला गया एंड वक्त पर रोका गया लेकिन मैं क्योंकि मैंने खुद रितम्बरा जी के मुँह से ये पंक्तियाँ सुनी हैं और वो पंक्तियाँ इसी प्रकार आ, जिस प्रकार से मनीषी जी तो ओज की एक धारा प्रवाह अविरल एक नदी है हम इनको घंटों सुन सकते हैं लेकिन बड़े अमूल्य समय में हमारे साथ हमारे साथ बने हैं मैं उनका हार्दिक साधुवाद करता हूं और अब मैं आमंत्रित करता हूं देश के प्रखर ओज जिनसे बनता है वैसे तो भाजपा के अंदर अनेक समय समय पर हिंदू नेतृत्व के रूप में कभी आडवाणी जी आए कभी विनय कटिहार आए महंत योगी जी तो हमारे हैं ही बाबा योगी तो है ही उनका बुलडोज़र एक जो एक प्रोग्राम है वो अपने आप में है लेकिन हिंदू युवाओं में जिस प्रकार से हिंदू युवाओं को रोजगार स्व रोजगार स्वरोजगार बनाने की बात हो चाहे वो उनको आ, कई लोग हमारे व्यवसाय छोड़ चुके हैं धोबी कोई धोबी का, का काम नहीं करना चाहता नाई का, का काम नहीं करना चाहता दर्जी का, का काम नहीं करना चाहता तो उसके लिए एक हिंदु को सिस्टम अगर किसी हिंदू बच्चे को विक्टिम उस परिवार को हमारा बच्चा मार दिया जाता है संघर्ष में हिंदू मुसलमान संघर्ष में मुस्लिम संघर्ष में तो उस टाइम उस विक्टिम को तुरंत एक क्राउड फंडिंग के ज़रिए आप केवल एक ट्वीट करते हैं और 48 घंटे के अंदर चार पाँच करोड़ रुपए उस परिवार को सीधे उसके खाते में चले जाते हैं चाहे वो राजस्थान में एक पंडित जी को जिंदा जला दिया गया चाहे रिंकू शर्मा हो चाहे वो कन्हैया लाल परिवार हो सब को कपिल मिश्रा जी के हिंदू इकोसिस्टम ने उसको सहायता दी एक स्वस्थ प्लेटफॉर्म है मैं चाहूंगा कि हमारे सम सब लोगों को हिंदू इकोसिस्टम के साथ एक अभिन्न सदस्य हमारा बनना चाहिए ऐसे युवा हिंदू नेता और आप वर्तमान में आप भाजपा में प्रदेश उपाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ऐसे युवा हिंदू नेता अगर हम प्रवक्ताओं की बात करें शहजाद पुणे वाला सदानशु त्रिवेदी जी और अगर तीसरा नाम एक सर्वमान्य नाम अच्छा लोता है जिनको सुना जाता है बड़े ध्यान से वो होते हैं कपिल मिश्रा तो एक ऊंचे सिंहनाथ के साथ में उनको बुलाना चाहता हूं जय श्री राम जय श्री राम सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और अभिनंदन और नमन आपको कि आपने इस पुण्य बेला में मुझे बुलाया है राम जी की गिलहरियाँ राम जी के जामवंत राम जी के नल नील राम जी के सुग्रीव राम जी के बजरंगी सभी यहाँ उपस्थित हैं और जो भी अनुभव यहाँ सुनने को मिल रहे हैं वो ऐतिहासिक है रोंगटे खड़े कर देने वाला है और मुझे लगता है कि ये ना जाने कितने जन्मों का पुण्य होगा जो आप लोग उस दिन वहाँ सरयू के किनारे आपको चुना गया बिल्कुल बिल्कुल जाने का बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और हम लोग तो तब बहुत छोटे छोटे थे ग्यारह बारह साल की उम्र थी और सुनते थे बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का तो लेकिन जिन लोगों ने प्रत्यक्ष इस कार्य को किया है और आज जब रामलला विराजमान होने जा रहे हैं 22 जनवरी को 500 वर्षों के बाद ये संघर्ष एक सुखद परिणाम में परिवर्तित हो चुका है भारत की सांस्कृतिक चेतना की स्वाधीनता की अमृत वेला हमारे सामने है तब उसकी नींव में जो लोग जिन लोगों ने अपने रक्त और अपना पसीना दोनों दिया है ऐसे सभी पुण्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं मैं सबके चरणों में नमन और पुनः बहुत बहुत आभार आपका कि इस पुण्य वेला में आपने मुझको भी यहाँ आमंत्रित किया है कपिल जी एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि आपका समस्त परिवार अपने विचारों का रहा है चाहे आपके आदरणीय पिताजी प्रोफेसर रामेश्वर पंकज जी आ, पता नहीं किस आपने किसी कार सेवक ने दिनमान की बात की थी हाँ उमा शंकर जी ने की थी उस समय आपके पिताजी लगभग उसी कालखंड में आपके पिताश्री दिनमान के उपसंपादक हुआ करते थे और आपकी माता जी पूर्व में दो बार निगम पार्षद रही हैं और साथ ही साथ आ, आपकी माता जी ई की पहली महिला महापौर भी रही है तो आपने माताजी से अथवा पिताजी से राम मंदिर के बारे में तो कुछ सुना होगा कुछ ऐसे क्योंकि आप ये वास्तव में है कि आपकी उस टाइम आयु मात्र बारह वर्ष ही होगी लेकिन हम अपने कई चीज़ें होती हैं कुछ इतिहास जश्रुत काव्य एक सुन सुन के आते ऐसे परिवार में से आपने काफ़ी बातें सुनी होंगी उसके आप हम जा चाहेंगे जिक्र जरूर काफ़ी बातें सुनी भी और अनुभव भी किया कितनी भी छोटी आयु हो लेकिन छः दिसंबर का दिन मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है क्योंकि हम लोग उस दिन दोपहर तक खेलने गए थे और लगभग बारह एक बजते बजते लगभग सब बच्चों को ये हो गया था कि अब घर जाना है और तो उसके बाद बीबीसी ने शायद पहले न्यूज ब्रेक की है कि गुंबद तोड़े जा रहे हैं तो घर में और भी लोग आने लग गए थे चर्चा होने लग गई थी इस विषय में कि कुछ तो बड़ा हो रहा है और शाम को फिर नरसिंह राव का जो राष्ट्र के नाम संदेश आया है तो उस वक्त का वो पूरा दिन और वो किस प्रकार से वो दिन बीत रहा था वो एक बाल मस्तिष्क में वो दिन की भी एक एक छाप है क्योंकि ऐसा ऐसा माहौल बन गया था कि कुछ कुछ अलग हो रहा है कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ है और आज इसीलिए मेरे को बहुत रोमांचित हूँ कि वो जो बाल मस्तिष्क का एक छोटा सा अनुभव था उसके करने वाले जो लोग थे वो आज यहाँ उपस्थित हैं सबसे बड़ी बात देखिए कि मनीषी जी आपके सामने रविकांत महाजन जी आपके सामने संतोष पाल जी ये वो साथी मुझे एक बात ध्यान आती है कि खुद मैं विवेकानंद स्कूल में कार्यरत था और मुझे मैनेजमेंट ने साफ मना कर दिया था ईश्वर जी ने चुप्पी साध ली थी और मुस्करा रहे थे ईश्वर जी से मैं डरता था योग ध्यान जी ने मुझे कहा कि भाई स्कूल में शायद फेट थी क्यों रवि जी दो दिन बाद फेंट थी और मेरे सामने धर्म संकट था कि मैं क्या करूं मैं तो जाना जब मतलब हम गोलियां खाली है अब अब जो काम आ रहा है अब नहीं जाएंगे तो कब तो मैं चुपचाप एक पोस्ट कार्ड लिख करके योग ध्यान जी के घर के बाहर जो पहले लेटर बॉक्स बने होते थे ना उसमें लैटर उसमें त्याग पत्र अपना लिख करके कि अगर मान लो आप मुझे छुट्टी नहीं देते हो तो ये मेरा त्याग पत्र समझ लेना और मैं तब निकला था तो ऐसे संस्मरण जैसे आपने मनीषी जी के सुने आपने और उसके बाद जब हम लौट के आए तो शायद योग ध्यान जी ने भी सब ने जब ढांचे गिरने की और फेट वाले दिन ही फेट वाले दिन ही ढांचा गिरा था वो छः दिसंबर का फेट था तो पूरे फेट में वादा फेट में बता रहे हैं मैं तो था नहीं मैं तो वहाँ था और पूरा वातावरण फ्रेट का बदल गया था तो ऐसे संस्मरण के साथ आपको ऐसा लगता है कपिल जी कि जो ये लोग बैठे हैं कुछ आपने इनके जो संस्मरण सुने आपने इतना तो बता दिया कि मतलब रोमांच आपको इनके संस्मरण से एक, एक अगर मैं दो तीन पंक्तियों पूछना चाहूँ को कैसा मतलब प्रतीत हो रहा है कि ये लोग क्या है ये ग्लैरी है जामवंत है ये हनुमान है क्या है देखिए आज तो क्योंकि हम लोगों के सामने मंदिर बन रहा है और पूरा देश राममय है तो ऐसा लगता है चीजें बड़ी सरल हुई होंगी तब लेकिन जब आज ये बातें सुनी तब ये समझ में आया कि चीजें उतनी ही मुश्किल थी कष्टदायी थी जैसी शायद तब हुई होंगी जब औरंगजेब से लोग लड़ रहे थे या बाबर से लोग लड़ रहे थे तो सरयू पे जो घेर के मारने की योजना बनाई गई और लाठीचार्ज हुआ या गोली चलाई गई वैसे ही कुछ तब होता अगर औरंगजेब की सरकार होती या बाबर होता या इस नहीं। नहीं। प्रकार के लोग सत्ता में होते नहीं। नहीं। तो जो कुटिलता और षड्यंत्र और निरंकुशता वो लोग करते शायद वैसी ही वैसे ही आक्रमणों का सामना हर एक कार्य सेवक ने किया है और आज बेशक हम खुशियों के उसमें हैं लेकिन मुझे ये लगता है कि एक एक कार्य सेवक जो वहां गया किन परिस्थितियों में गया उसके परिवार ने किस प्रकार से साथ दिया सहयोगियों ने जो कथा सुनाई उन्होंने उस गरीब परिवार की ही ही। वो जो भावना थी शायद वही एक भावना है जिसके कारण पूरे विश्व में अगर कोई एक समाज इन इनाक्रमणकारियों से बच पाया तो वो हिंदू धर्म बच पाया वो इसी प्रकार के कार्य सेवकों और इसी प्रकार की भावना के कारण जय श्री राम जय श्री राम अब हमारे बीच में हमारे वनवासी कल्याण आश्रम के प्रदेश उपाध्यक्ष आप मंगल सृष्टि के न्यासी सचिव भी हैं मैं आप क्योंकि वनवासी क्षेत्र ने राम मंदिर के लिए काफ़ी योगदान दिया है आपने भी संस्मरण सभी उपस्थित जामवंत हनुमान और क्या नाम गिलहरियां जो भी आप कहना चाहें समझना चाहें आपको कैसा लगा तिलक लग चानना जी पहले तो मैं आ... जितने भी आज मानु इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं आ, नमन करना चाहता हूं मैं स्वयं दोनों कार सेवक, जितने भी दोनों कार सेवक के जो सेवा के जो कार्यक्रम हुए मैं स्वयं उपस्थित नहीं था पर अभी क्योंकि कपिल जी ने एक बात कही कि उस समय कार सेवक जो वहां गए उनके पूरे परिवार जो है उस सेवा में सम्मिलित थे मेरा भी सौभाग्य है कि मेरे पिता स्वर्गीय पिता, उसमें विश्व हिंदू परिषद का उनके पास प्रांत का दायित्व था सोनीपत सोनीपत में सोनी में थे पर प्रांत बहत्तर वर्ष की उनकी आयु थी उस हुँ। समय हुँ। और पूरी कार सेवा में वहां उपस्थित रहे अरे तो एक तरह से मुझको संतोष भी है कि मेरा अब प्रत्यक्ष न सही अप्रत्यक्ष तो आ, उस सारे कार्यक्रम में मेरी भी एक आहुति रही इतना ही बात मैं अपने स्मरण के रूप में संस्मरण के रूप में आपसे मैं साझा करना चाहता था क्योंकि समय की सीमा भी है करें, करें। आ, आज जो ये कार्यक्रम कर एक डॉक्यूमेंटेशन के रूप में जो हमारे सामने निकल कर आएगा ये एक आ, मेरी दृष्टि में एक बहुत आ, सार्थक प्रयास है और इस बात के लिए हम अपने भाई प्रवीण जी को साधुवाद भी देना चाहते हैं उनका इस बात के लिए ये सूत्रधार बने ऐसे कार्यक्रमों के सूत्रधार बने बनते रहे हैं बनते रहेंगे यही मेरी आशा है यही मेरी कामना है बहुत बहुत जय श्री राम आप हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर स्क्रॉल पे चल रहे नंबर नाइन सेवन ट्रिपल वन एट टू वन एट थ्री पे जरूर देंगे मुझे आशा है कि ये जो कार्यक्रम आज हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है हमने ऐसी राम जी की गिलहरियों को ढूंढने के ढूंढ करके लेके आए हैं

इसके के सब शौकीन हाँ सतमोला नमकीन सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन इससे बेटर है हाँ हा नमकीन